आखिर क्यों आना पड़ा महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की पत्नी को? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वह अस्त्र उठाने पर हो गई मजबूर, और किस बात पर उन्हें रणभूमि में युद्ध के लिए आना पड़ा? स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हो गए थे हैरान अपनी पत्नी को रणभूमि में देखकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी उस पत्नी की शक्तियों से परिचित थे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों विवाह किए थे, लेकिन उनकी सभी पत्नियों में से एक ऐसी भी पत्नी थी जो अपने युद्ध पराक्रम के लिए जानी जाती थी, और उन्होंने अपने इस पराक्रम से युद्ध भूमि में खलबली मचा दी थी। हम जामवंती या रुक्मणी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम श्री कृष्ण की जिस पत्नी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, वह एक योद्धा थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी उनकी शक्ति को देखकर दंग रह गए थे। उस दिन युद्ध में ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन के युद्ध में, और कौन थी श्री कृष्ण की यह वीर पत्नी, और किसका बदला लेने उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की महायोद्धा शक्तिशाली पत्नी के बारे में। सत्यभामा सत्यजीत की कन्या तथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। इनसे श्री कृष्ण को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, और उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन में पत्नी के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन सत्यभामा घरेलू जीवन जीने वाली कोई साधारण घरेलू स्त्री नहीं थी। वे हर तरह के युद्ध कला में निपुण एक वीरांगना थी। उनको धनुर्विद्या और गदा युद्ध, तलवारबाजी और भाला युद्ध की भी अच्छी जानकारी रखती थी। सत्यभामा ने अनेकों युद्ध में श्री कृष्ण का साथ दिया था। उन्होंने धर्म स्थापना हेतु अनेकों असुरों के साथ युद्ध किया था, अनेकों राजाओं को हराया था। सत्यभामा को भूदेवी अवतार भी माना जाता है। वे साक्षात धरती माता का ही रूप थी। वे बचपन से ही युद्ध कला में माहिर थी, लेकिन श्री कृष्ण के विवाह के बाद उन्होंने युद्ध में भाग लेना कम कर दिया था। लेकिन तभी उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें युद्ध करने पर मजबूर कर दिया। इसी घटना में उन्हें पुनः अपने वीरांगना रूप में आना पड़ा और शस्त्र उठाकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। वास्तव में जिस योद्धा के वध के लिए उन्होंने अस्त्र उठाए युद्ध भूमि में जाना पड़ा वास्तव में जिस योद्धा के वध के लिए उन्हें शस्त्र उठाकर युद्ध भूमि में जाना पड़ा उसे यह वरदान था कि उसे पृथ्वी देवी के हाथों ही मारा जा सकता है, और इसके अलावा उसका कोई भी वध नहीं कर सकता। वह कोई और नहीं बल्कि नरकासुर नाम का एक असुर था। नरकासुर ने देवासुर संग्राम में भाग लिया था और असुरों का साथ दिया था। नरकासुर देवताओं का परम शत्रु था तथा सभी अधर्मिक कार्य करता था। उसका जन्म पृथ्वी के गर्भ से हुआ था, और उसे ब्रह्मदेव से यह वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही हो सकती है। अपने वरदान के मद में आकर नरकासुर देवताओं को तुच्छ समझने लगा था, और उसने देवताओं को सताना शुरू कर दिया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्ग सिंहासन पर बैठ गया। उसने इंद्रदेव के कवच भी छीन लिए और अपने महल में 16,100 कन्याओं को बंधक बना लिया। देवराज इंद्र ने नरकासुर के अत्याचारों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का अंत हुआ। नरकासुर को केवल सत्यभामा ही मार सकती थी, क्योंकि वह उनकी माता की अवतार थी। नरकासुर को स्वयं भगवान विष्णु का पुत्र माना जाता है।
वह वराह अवतार के समय पैदा हुआ था, जब भगवान विष्णु ने धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार लिया था। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पुत्र नरकासुर पहले दुष्ट नहीं था, वह बाणासुर की संगति में पड़कर दुष्ट हो गया था, जिसके चलते ऋषि वशिष्ठ ने भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने का श्राप दिया था। जब लंका का रावण मारा गया, उस समय में उस स्थान पर धरती के गर्भ से नरकासुर का जन्म हुआ, जहां माता सीता का जन्म हुआ था और उसका पालन पोषण स्वयं उसकी माता धरती ने किया था। जब नरकासुर बड़ा हुआ तो उसे भगवान विष्णु ने प्राण ज्योतिपुर का राजा बना दिया। नरकासुर मथुरा के राजा असुर कंस का मित्र था। विदर्भ की राजकुमारी माया से नरकासुर का विवाह हुआ था और विवाह के समय भगवान विष्णु ने उसे एक दुर्लभ रथ दिया था। कुछ दिनों तक नरकासुर ने बहुत ही अच्छा शासन किया, लेकिन बाद में नरकासुर बाणासुर की संगत में पड़कर ऋषि वशिष्ठ से श्रापित होने के बाद नरकासुर ने अपने तपोबल से वरदान प्राप्त किया था कि उसे देवता, असुर, राक्षस आदि कोई भी नहीं मार सकेगा और उसका राज्य सदा ही बना रहेगा। नरकासुर का वेद नामक एक वानर भी मित्र था। नरकासुर ने हयग्रीव, सन आदि असुरों की मदद से इंद्र को हराया, वरुण का छाता और अदिति के कुंडल ले भागा। तब वह घोर अत्याचार करने लगा था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा को नरकासुर का वध करना पड़ा। सत्यभामा राजा सत्रजीत की पुत्री थी, जो भगवान सूर्यदेव के परम भक्त थे। उन्हें भगवान सूर्य ने समांतक मणि प्रदान की थी, जो अत्यंत ही चमकीली थी तथा प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्रजीत से यह कहा था कि वह मणि उग्रसेन को प्रदान कर दे, किंतु वह नहीं माना। एक दिन सत्रजीत का भाई प्रसन्न उस मणि को धारण करके शिकार खेलने चला गया। कई सालों तक उसके वापस न आने पर सत्रजीत को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मार कर मणि छीन ली होगी। ऐसे कानाफूसी बातें सुनकर श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा। वे प्रसन्न को ढूंढने के लिए जंगल में गए। वहीं यक्षराज जामंत से मिले और उनकी पुत्री जामवंती से विवाह भी किया। बाद में श्री कृष्ण ने उस मणि को सत्रजीत को लौटा दी। सत्रजीत अत्यंत ही लज्जित हुआ और अब उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया।